अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस के चैनल पर खुशामदी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान के लिए शानदार 76 वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हुई है। मेल फीमेल इस फ्रॉन्ट लाइन पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आपके एजुकेशन मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन आपके पास शॉर्ट हैंड की स्पीड है तो आपके पास एक शानदार मौका है कि आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद पर ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल और आसान तरीका आपको शुरू में बताऊँगा। वीडियो एंड तक वॉच करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप मेरा चैनल जॉब्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस भी विजिट कर सकते हैं। इस पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी फेडरल प्रोविंशियल और प्राइवेट जॉब्स पर वीडियो भी अपलोड की हुई है जिन पर अप्लाई करने का मुकम्मल और आसान तरीका मैंने डिटेल में बताया हुआ है। इन्हें भी आप ज़रूर वॉच करें। देखते हैं आज का जॉब एडवर्टाइजमेंट। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद, ये परमानेंट जॉब्स हैं इस्लामाबाद में। डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर 17 स्किल की एक वैकेंसी है। मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री, और 3 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस हो। 21 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। इस्लामाबाद कोटे वाले से इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी या स्टेनोग्राफर 16 स्किल है, 14 वैकेंसी टोटल। आप ग्रेजुएट पास हो, शॉर्ट हैंड की स्पीड और टाइपिंग स्पीड आपके पास 50 और 110 की हो, कंप्यूटर लिटरेट हो। 18 से 25 साल के अलावा आपको 5 साल की एज एक्सटेंशन गवर्नमेंट और देती है, यानी 18 से 30 साल, 21 से 35 साल, 5 साल आप इसमें जमा करते जाएंगे। इस्लामाबाद की 6, बलोचिस्तान की 4, KPK 2 और सिंध की 2 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियर की 1 वैकेंसी है। ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपके पास सामने, आपके पास मास्टर ग्रेजुएशन डिग्री हो कंप्यूटर साइंस IT में, 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस हो, 21 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। इस्लामाबाद का कोटा है ये। आइडेंटिटी सेक्शन इंचार्ज 15 स्किल, 1 वैकेंसी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके सामने, एक्सपीरियंस आपके सामने, आपके पास बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस या IT में हो, 21 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। इस्लामाबाद का कोटा है ये वाला। आर्काइव सेक्शन इंचार्ज 1 वैकेंसी है। मिनिमम बैचलर डिग्री आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 21 से 35 साल आपकी एज, इस्लामाबाद का कोटा है ये। अकाउंटेंट की 1 वैकेंसी है, ये भी इस्लामाबाद का कोटा है। 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। आप ग्रेजुएशन आप पास हो, BCom आपने किया हो, कम से कम 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट की 1 वैकेंसी है, ये सिंध की है। इसमें अर्बन रूरल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंटर आप पास हो और टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की स्पीड आपके पास होनी चाहिए। 18 से 30 साल है जो। स्कैनिंग टेक्नीशियन 2 वैकेंसीज हैं। बैचलर डिग्री आपके पास कंप्यूटर साइंस या IT में होनी चाहिए। 21 से 33 साल आपकी है जो, और इस्लामाबाद का कोटा है। डाटा एंड कंप्यूटर की 39 वैकेंसीज हैं। बैचलर डिग्री आपके पास हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर सिस्टम में, या आपके पास बैचलर डिग्री हो किसी भी फील्ड में और आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए IT या कंप्यूटर साइंस के अंदर, और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो रेलिवेंट। 21 से 33 साल एज होनी चाहिए। इस्लामाबाद 12, KPK 4, सिंध 4, पंजाब 4, बलूचिस्तान 4, FATA 1 और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ की 10 वैकेंसीज हैं। LDC है, असिस्टेंट रिकॉर्ड कीपर की 15 वैकेंसीज हैं। मैट्रिक पास हो आप और कम से कम 25 अल्फाज फी मिनट की टाइपिंग स्पीड आपके पास हो, 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। इस्लामाबाद की 5 वैकेंसीज, KPK 4, सिंध 4 और बलूचिस्तान की 2 वैकेंसीज। अपने अप्लाई कैसे करना है, इसमें रीजनल प्रोविंशनल जेंडर और डिसेबिलिटी कोटा भी ऑब्जर्व किया जाएगा। बाकी प्रोविंशियल कोटा और फाटा कोटा आपके सामने मेंशन है। इसके अलावा जी टर्म एंड कंडीशन आप खुद भी स्टडी कर लें। 5 ईयर की एलेक्टेशन ऊपर आप ऐड कर दें। 15 दिन के अंदर आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ITS की ऑनलाइन अप्लाई करना है। बाकी टर्म एंड कंडीशन आप खुद भी स्टडी कर लें जी। आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने प्लीज़ विजिट ITS.park.org.bk की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल और आसान तरीका डिटेल में बताऊँगा। वीडियो आप एंड तक वॉच करें। आपने गूगल में सर्च करना है ITSPark.org। ऐसे इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ये आप अनाउंसमेंट में देख सकते हैं। ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद, क्लिक हियर टू अप्लाई, इस पर आप क्लिक करेंगे। ऐसे इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड अटैचमेंट। जब भी अटैचमेंट मैंने आपको दिखाया, आपसे यहाँ से डाउनलोड करके खुद भी स्टडी कर सकते हैं डिटेल में। इसके अलावा क्लिक हियर टू डाउनलोड बैंक चालान फी फॉर्म, बैंक चालान फॉर्म आपने यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसे इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ऐसे जी कॉलेज आपने ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले अपना चालान फॉर्म जनरेट करना है, इसे बैंक में जमा कराना है, उसके बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने जिस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करें, अपना CNIC नंबर यहाँ लिखें, अपना फुल नेम और अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख के सबमिट के बटन पर क्लिक करें। ये करने के बाद ऐसा चालान फॉर्म आपको जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर देख लें, ये कापी ITS की कॉपी है, ये एप्लीकेंट कॉपी है, ये बैंक कॉपी है। बैंक कॉपी अपने पास रख लेगा, ये एप्लीकेंट कॉपी आपकी है और ITS की कॉपी आपने संभाल के रखनी है। टेस्ट के इंटरव्यू के टाइम आपके काम आएगी और वो आपसे इसे वो रिक्वायर्ड करेंगे। यहाँ पे आपने ब्रांच कोड लिखना है, डेट और ब्रांच नेम लिखना है। HUL बैंक में आपने जमा कराना है।
जिस पोस्ट पे अप्लाई किया, पोस्ट यहाँ पे मेंशन होगा, आपका नेम, आपका आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे शो रहा होगा। 300 रुपीज़ की फ़ीस है, बैंक चार्जेस के कोई भी नहीं है। यहाँ पे एप्लीकेंट सिग्नेचर पे आपने अपना सिग्नेचर करके इसे जमा करा लेना और आपने इसे अपने पास सेव कर लेना है। और जब आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ITS की जो कॉपी होगी इसे आपने स्कैन करके वहाँ पर अपलोड करना है। अभी आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी बताता हूँ। इसके बाद आप क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन पे आपने क्लिक करना, ऐसा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे पोस्ट का नाम आपने मेंशन करना है जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, अपना नेम, फादर नेम, CNIC, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, अपना फुल एड्रेस लिखें कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, पोस्टल डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, अपना ईमेल लिखें यहाँ पे, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस करें अदरवाइज को नो रहने दें, आप रिलीजन अपना बताएं, डिसेबल कोटे से अप्लाई करें तो यस अदरवाइज को नो रहने दें, एक्सपीरियंस कोई है तो यस करें अदरवाइज को नो रहने दें, आप किस कोटे से अप्लाई कर रहे हैं, सिंध अर्बन रूरल KPK सिंध बलूचिस्तान उसको टिक करें, डोमिसाइल अपना बताएं, आप टैक्स कहाँ पर देना चाहते हैं उस सिटी को सेलेक्ट करें। अच्छा अभी आप देखें जी, आपने बैंक डिपॉजिट्स ID यहाँ पे लिखनी है कि बैंक आपको एक ID देगा वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ब्रांच कोड आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपने अपनी अपलोड पिक्चर ऑफ पेड बैंक चालान फी वहाँ यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। उसके बाद आपने जी यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज पिक्चर अपलोड करनी है यहाँ से, NOC अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो यहाँ पे NOC अपनी अटैच करें, इसको खाली छोड़ दें, अपलोड CNIC फ्रंट फोटो, अपनी CNIC की जो फ्रंट पिक्चर होगी अपने आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, बैक को आपने यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद ऐसा फॉर्म आपके पास आएगा, अगर आपके पास मैट्रिक, इंटर, बैचलर, मास्टर की एजुकेशन है तो आप वन बाय वन इस पर ऐड करते जाएँ। यहाँ पे डिग्री का नेम, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, किस ईयर में आपने पास किया, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स और परसेंटेज, के बाद आपने इंटर, बैचलर, मास्टर बेस लिखना है। इसके अलावा अगर आपके पास जो एजुकेशन आपके पास नहीं है उसे आपने लाजमी नील लिख देना है, क्योंकि ITS ने ख़ुद भी बताया हुआ कि जो फील्ड आपसे रिलेटेड नहीं है उसे आपने लाजमी नील लिखना है, उसे आपने खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो अपना डेस्टिनेशन, डिपार्टमेंट, कंपनी का नाम, कब से कब तक वो लिखें, अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं फ्रेश अप्लाई करें तो यहाँ पर सारी फील्ड में नील कर दें, अंडरटेकिंग को टिक करें। इसके बाद आपने जी सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। तो उसके ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको यही फॉर्म आपने क्या करना है, इसे डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेना है। ITS की जो चलान कॉपी होगी वो अपने पास सेव कर लेनी है, टेस्ट इंटरव्यू के टाइम वो आपको दोनों काम आएंगे। आपने इसके अलावा बाय हैंड अप्लाई नहीं करना है, जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अच्छा जी, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जॉब अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फर्क मसल हो सके। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।